वेलकम टू क्रिकेट विद एमजेड स्पोर्ट्स चैनल। फ्रेंड्स, जैसे हमने कल भी आपसे ये ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक फैसला आने वाला है कि सरफराज अहमद को हटाने का फैसला कर लिया गया है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अब साबिक कप्तान बन गए हैं सरफराज अहमद, और एज अ प्लेयर भी उनकी टीम में शिरकत पर सवालिया निशान लग गया है। और बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम का नया कैप्टन बना दिया गया है, जबकि अजहर अली पाकिस्तान की टेस्ट टीम की क्यादत करेंगे। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये फैसला सामने आया है, और वनडे टीम की क्यादत कौन करेगा इसका फैसला बाद में किया जाएगा। और अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बाबर आजम T20 जबकि अजहर अली पाकिस्तान की टेस्ट टीम की क्यादत करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हैं अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर लें, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले पर आपकी क्या राय है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।